हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे जाते हैं, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, तो इस टॉपिक को करेंगे हम इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि नोट्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। जिस भी एग्जामिनेशन के नोट्स आपको चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है आपके बीकॉम और एमकॉम की क्लासेस के लिए। अगर आप उनको परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8101065300 नंबर पे। इसका लिंक आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पे मिलती रहे। तो आइए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज गिवन बाई द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एब्राहम एच मैस्लो इन द ईयर 1943। This theory explains the underlying human motivation with respect to the different level of human needs, है ना? तो ये जो मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है, ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरार्की थ्योरी है, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एब्राहम एच मैस्लो ने 1943 में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक ह्यूमन की क्या क्या नीड्स होती है, किस किस नीड को वो पहले पूरा करने की कोशिश करता है। द थ्योरी स्टेट्स दैट अ पर्सन टेंड्स टू फुलफिल हिज नीड्स in a hierarchical manner, starting from a basic need and advancing to a higher level of needs, है ना? तो जो थ्योरी है वो ये बताती है कि किस तरीके से एक ह्यूमन जो होता है उसकी नीड्स जो है वो हायरार्की के लेवल पे होती है। मतलब स्टार्टिंग बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी नीड्स भी चेंज होती जाती है, और ये हायरार्कियल ऑर्डर में होती है। मैं उसे एक एक करके भी बताने वाला हूँ। इन अदर वर्ड्स, हायर लेवल नीड्स आर नॉट लाइकली टू मोटिवेट पर्सन अनलेस हिज बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, है ना? तो हायर लेवल की जो नीड्स हैं वो तब तक फुलफिल नहीं हो सकती, तब तक उसको मोटिवेट नहीं करेंगी जब तक कि उसका लोअर लेवल का नीड जो है वो फुलफिल ना हो जाए। आप एक स्टेप तभी चढ़ पाते हो जब आपका पुराना स्टेप पूरा हो गया होता है। जब आप एक स्टेप छोड़ते हो तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जब तक आपका पुराना जो आपका टारगेट है, जो पुराना आपका नीड है, जब तक वो फुलफिल नहीं होगा आप आगे के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। मैस्लो हैव कैटेगराइज्ड दीज नीड्स इनटू फाइव कैटेगरीज। तो मैस्लो ने इन कैटेगरी इसको जो है पांच कैटेगरीज में डाला है ना? सबसे पहला कैटेगरी है, मैं थोड़ा इसको पहले कलर कर लेता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूँ। तो पहला है साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेफ्टी नीड, तीसरा है सोशल नीड, चौथा है एस्टीम नीड, और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Now, तो सबसे पहला नीड है साइकोलॉजिकल नीड। सो साइकोलॉजिकल नीड्स आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सम एग्जांपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल नीड आर वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, ईटीसी। इफ दीज नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू सर्वाइव। तो देखो, साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब वो सारी नीड्स हो गई जो कि एक तरीके से किसी भी व्यक्ति के सर्वाइव करने के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बगैर इनके वो जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकता, राइट? तो ये एक व्यक्ति की बहुत ही बेसिक नीड्स होती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो पानी है, भोजन है, छत है ना, अच्छी नींद है, ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत ही बेसिक नीड है। अगर इनको ठीक टाइम पे ठीक तरीके से फुलफिल और सेटिस्फाई ना किया जाए तो एक पर्सन के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट? सेफ्टी नीड्स की अगर हम बात करें तो सेफ्टी नीड्स पे चले आते हैं। सेफ्टी नीड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका खाना पीना, आपके घर के ऊपर छत, एक अच्छी नींद जब आपको आने लगे तब आप ध्यान दोगे किस चीज के ऊपर, तब आप ध्यान दोगे सेफ्टी के ऊपर, है ना? सेफ्टी नीड्स आपका जो है सेकंड लेवल है। वंस द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ अ पर्सन हैज बीन सेटिस्फाइड, ही और शी आस्क फॉर द सेफ्टी और सिक्योरिटी इन लाइफ, है ना? जैसे कि मेरा एक जॉब लग गया तो मेरा घर पे खाना पीना, पानी, शेल्टर, नींद सब कुछ है। अब मेरा ध्यान गया सिक्योरिटी की तरफ, है ना, लाइफ की सिक्योरिटी की तरफ, तो मैंने एक पॉलिसी ले लिया। अब मेरा सिक्योरिटी गया घर के सिक्योरिटी की तरफ, ध्यान गया घर के सिक्योरिटी की तरफ, घर की सेफ्टी की तरफ, तो मैंने एक गार्ड अपने घर पे लगवा लिया, है ना? समझ रहे हो? तो बेसिक नीड आपकी पूरी हो गई तो वो नीड कहाँ चला गया, वो नीड ट्रांसफर हो गया सेफ्टी नीड्स में। सो द सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स आर कंसर्न्ड, सॉरी, सिक्योरिटी नीड्स आर कंसर्न्ड विद जॉब सिक्योरिटी, है ना? ये चीजें जो है जॉब के साथ एक तरीके से इंक्लूडेड होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, गुड हेल्थ और पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह भी इसमें आ जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा सोशल नीड्स। तो जब आप एक सेफ्टी नीड आपका पूरा हो जाता है, जब आप सेफ हो जाते हो हर तरह से, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपने सोशल नीड्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, आप सोशली चीजों को जो है बेहतर करने की कोशिश करते हो। सोशल नीड्स इज द थर्ड लेवल ऑफ नीड।
सोशल नीड इज कंसर्न विद द लेवल ऑफ बिलोंगिंगनेस, है ना। सोशल नीड जो होता है वो एक तरीके से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको प्रोवाइड कराता है कि आप यहाँ पे जुड़े हुए हो, इसके साथ जुड़े हुए हो, आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो सोशल नीड्स में आ जाएंगी। अ पर्सन नीड्स टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव ईदर फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोशल नेटवर्क और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल लाइक फैमिली और फ्रेंड्स, है ना। ये चीज मुझे भी कभी कभी फील होती है, मेरा पहला दोनों जो है फुलफिल हो गया है, सोशल नीड्स मेरी है जहाँ पे मैं लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ, लोगों के साथ बातें करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो लोग बहुत सारे भी हो सकते हैं या फिर कोई स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि कोई मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए। तो देखना आप कोशिश करते हो कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ यू नो अटैच में रहो, टच में रहो, यू नो साथ में खाना खाओ, कभी कभी बाहर घूमने जाओ, ये सारी सोशल नीड्स में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये होती है जब आपके पास जॉब हो जाता है, सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ जाती है, तो फिर आप सोशली चीजों को करने की कोशिश करती हो। दिस कनेक्शन कैन ऑल्सो कम फ्रॉम एसोसिएशन विद सम प्रोफेशनल ग्रुप, सोशल मीडिया और रिलीजियस ग्रुप, है ना। अब ये जो सेंस ऑफ एसोसिएशन है, जो कनेक्शन है, ये आपको प्रोफेशनल ग्रुप से भी मिल सकता है जहाँ पे आप काम करते हो, या तो सोशल मीडिया ग्रुप से भी मिल सकता है या फिर रिलीजियस ग्रुप से भी मिल सकता है। एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स का मतलब क्या है? द फोर्थ लेवल ऑफ नीड हायरार्की इज एस्टीम नीड्स। These needs are concerned with a person's esteem, that is respect, status, prestige and validation by others, etc. है ना? Esteem needs का मतलब हो गया कि आपके अंदर में आप sense of जो है respect, status, prestige की बात जो है अब उभर के आने लगी है। अब आप ये ध्यान देते हो कि आपका status क्या है, आपकी prestige क्या है, कोई आपको disrespect ना करे, है ना। आपका एक you know अवधा है, आपका एक aura है, वो आप अपने चेक करने की कोशिश करते हो। तो जब सोशल नीड आपकी बढ़ जाती है तो आपका एस्टीम नीड्स के ऊपर चला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है एग्जाम्पल में, रिस्पेक्ट है, स्टेटस वगैरह, ये सारी चीजों के ऊपर बारे में आप सोचने लगते हो। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेल्फ एस्टीम, विच मीन्स हाउ अ पर्सन फील्स फॉर हिमसेल्फ। एक व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, यही एक तरीके से एस्टीम नीड्स में आ जाएंगी। अगर कोई बंदे को सारे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, अच्छा कहेंगे, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसको पुरस्कार मिल जाए, तो उसके सेल्फ स्टीम नीड्स में काफी बढ़ावा आ जाएगा, समझ रहे हो। सो वो सारी चीजें हैं। लैक ऑफ दिस स्टीम मे रिजल्ट इनटू इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और लो कॉन्फिडेंस लेवल। अब इस तरह की चीजें अगर आपके मन में होंगी तो आपके अंदर इनफीरियोरिटी आएगी कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आपको वैल्यू नहीं देता, इस तरह की चीजें आपके मन में आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही ज्यादा लो रहेगा। और जब आपका स्टीम नीड्स पूरा हो जाता है तो फिर आप चले जाते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के ऊपर, है ना, जहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स है जो कि आप पाने की कोशिश करते हो, जहाँ पे आप खुद को बेस्ट समझते हो, आप जो करते हो वही बेस्ट होता है, समझ रहे हो। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर द मोस्ट एडवांस और हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स ऑफ अ पर्सन। एट दिस लेवल पर्सन फील्स दैट फुल पोटेंशियल हैज बीन यूटिलाइज्ड। उसको लगता है कि उसने अपना सब कुछ हासिल कर लिया है, ही और शी हैज बीन रीच्ड टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज। उसकी जो कैपेबिलिटी थी वहां पे वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाउएवर दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फीलिंग इज ट्रांजिएंट, since people tend to strive for personal growth throughout their lives. तो ये जो नीड है ये एक तरीके से पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लाइफ में हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता है। मैं अगर अभी 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 5 सालों में मैं 10 लाख रुपए कमाऊं। तो आपकी नीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है इसमें आप ये सोचते हो कि आपकी क्या वैल्यू है और आप कितना कमा रहे हो, आप कितना क्या कर रहे हो। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक तरीके से आपको मोटिवेट भी करती है और पर्सनल ग्रोथ भी होता है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं इसमें थ्रू आउट देयर लाइफ, जो है यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैस्लोज नीड ऑफ थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। आई होप कि आपको ये काफी पसंद आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।